एनालॉगस कलर स्कीम वह कलर स्कीम होती है जिसमें कलर व्हील के अंदर एक ही फैमिली के जो कलर्स होते हैं वो एनालॉगस कलर स्कीम में कहलाते हैं। जैसे कि कलर व्हील के अंदर ये है ब्लू के शेड्स हैं, ब्लू और पर्पल के शेड्स आ गए, तो ये जो शेड्स जो बने वह एनालॉगस कलर स्कीम में आ गए, जिसमें किसी भी एक ही कलर स्कीम के जस्ट कलर व्हील में जस्ट उसके आसपास के जो कलर्स हुए एक ही फैमिली के जो कलर्स होते हैं वह एनालॉगस कलर स्कीम्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वह कलर्स कहलाते हैं जो कलर व्हील में जस्ट उसके अपोजिट होते हैं, जैसे कि रेड के अपोजिट है ग्रीन कलर, तो यह रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या हो गया, ग्रीन कलर। येलो के अपोजिट है वायलेट कलर, तो येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या हो गया, वायलेट कलर। तो इस तरह से जो कलर्स कलर व्हील में जस्ट अपोजिट आते हैं वह कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बहुत ही सुंदर लगते हैं और अपने आप में पूरक कलर कहलाते हैं, क्योंकि जब इन कलर्स को यूज करके हम डिजाइन बनाते हैं तो वह प्रॉपरली बैलेंस्ड डिजाइन बन जाती है। नेक्स्ट है ट्रायडिक कलर्स। ट्रायडिक कलर्स नाम से पता चल रहा है, ट्रायडिक ट्रायंगल अगर हम बनाते हैं तो जब हम किसी कलर व्हील के अंदर ट्रायंगल के तरह से ट्रायंगल बना करके मूव करते हैं उस कलर व्हील के ऊपर तो वह ट्रायडिक कलर कहलाते हैं। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं येलो ग्रीन और पर्पल, तो येलो ग्रीन और पर्पल जो है वो ट्रायडिक कलर हुए, या फिर हम देखें तो लाइट ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर और यह है ब्लू कलर, ये ट्रायडिक कलर हो गया। तो ये जो कलर्स कलर व्हील के अंदर जो हम ट्रायंगल बना करके जो मूवमेंट उस कलर व्हील में करते हैं वह ट्रायडिक कलर स्कीम्स के अंदर आता है, जिसमें तीन कलर को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर के जस्ट अपोजिट कलर जो होते हैं और उसके कलर व्हील में उसके जो आसपास वाले जो शेड होते हैं वो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर आते हैं। या आप इसको कह सकते हैं अगर हम वाई बनाए, अगर कलर व्हील में हम इस तरह से ले जाकर के वाई कलर, वाई का अगर हम अक्षर बनाते हैं तो वह कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बन जाते हैं। जैसे कि इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि रेड का हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है ग्रीन, लेकिन ग्रीन के आसपास वाले कौन से ग्रीन हो गए, डार्क ग्रीन और ये येलो ग्रीन। तो ये वाले जो कलर्स जो आए येलो ग्रीन और डार्क ग्रीन और रेड, ये हैं आपके स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। रेक्टेंगल कलर्स वह कलर्स जिसमें हम रेक्टेंगल की शेप में कलर व्हील के अंदर मूव करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो रेड पर्पल ग्रीन और येलो, इन चारों को यूज करके जो कलर स्कीम्स बनाई जाती हैं वह रेक्टेंगल कलर स्कीम्स के अंतर्गत आती हैं। इसी तरह से स्क्वायर कलर स्कीम में स्क्वायर की शेप में जब हम मूव करते हैं कलर व्हील में तो वह स्क्वायर कलर स्कीम में आता है, जैसे कि रेड येलो ग्रीन और पर्पल शेड। लेकिन रेक्टेंगल और स्क्वायर में अंतर है, रेक्टेंगल में जस्ट उसके सामने वाले वाले कलर आएंगे और इसे हम डबल कॉम्प्लीमेंट्री भी बोलते हैं, लेकिन स्क्वायर के अंदर बिल्कुल स्क्वायर की शेप में जो कलर्स आएंगे वह स्क्वायर कलर में आएंगे। नेक्स्ट है डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स जो रेक्टेंगल की जा रहे हैं, तो रेक्टेंगल और डबल कॉम्प्लीमेंट्री जस्ट जस्ट सामने वाले, यानी जो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर के जो दो शेड आते हैं उसके जस्ट सामने वाले जो दो कलर्स आएंगे वो डबल कॉम्प्लीमेंट, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम कलर व्हील के अंदर एक्स की फॉर्म में कलर व्हील में अपने एक्स वर्ड को अगर हम कलर व्हील में मूव कराते हैं तो जो कलर्स आते हैं वह डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के अंदर आ जाते हैं। इस तरह से ये हमारी सारी कलर स्कीम्स हैं जो हम डिजाइनिंग करते वक्त या कोई भी कलर्स का मैचिंग करते वक्त जो हम बनाते हैं या उनको प्रिपेयर करते हैं, कलरवेज बनाते वक्त जो हम कलर बनाते हैं वो सभी जो हैं इन्हीं के आधार पे बनाए जाते हैं, क्योंकि इसी से ही उस पर्टिकुलर डिजाइन के अंदर प्रॉपर बैलेंस और प्रोपोर्शन रेडी होता है। थैंक यू।